तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश, अलवर का फेमस मिल्क केक। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो दोस्तों, दूध देकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश, अलवर का फेमस मिल्क केक। इसको अजमेर शरीफ की फेमस बर्फी भी कहते हैं और अलवर का मिल्क केक। तो आज हम बनाने वाले हैं अलवर का मिल्क केक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 3 लीटर दूध, तो इसको मैं एक लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। हमें इस दूध को लगातार पकाना है, चलाते हुए चलाएंगे, इसलिए क्योंकि नीचे ना लग जाए, नीचे लग जाएगा तो फिर बर्फी में वो जलेपन की स्मेल आती रहेगी। तो इसलिए हमें लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। पहले सबसे पहले हमें इसको आधा कर लेना है दूध को। गैस की फ्लेम रखनी है हमें फुल, और फुल फ्लेम पर दूध को हमें पकाना है, आधा कर लेना है। दूध देखिए हमारा उबल रहा है और थोड़ा सा कम भी हो चुका है, ये देखिए। और ये जो साइडों में मलाई चिपक जाएगी तो इसको हमें इस तरह से साफ करते जाना है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी मलाई जम जाएगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा खुशबू के लिए इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे अभी हम डाल देंगे तो, क्योंकि शुरुआत से ही खुशबू आने लगे ना तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है और सभी कहते हैं वाह क्या बन रहा है आज। तो अभी इसे हमें और पकाना है, अभी तो बहुत थोड़ा सा कम हुआ है और फुल फ्लेम रखी हुई है, आप देख सकते हैं दूध उबलने की तरीके से। तो दूध को हमने पका पका कर आधा कर लिया है, ये देखिए थोड़े थोड़े दाने इसमें हैं, लेकिन अभी ये मलाई के दाने हैं। अब हमें इसे दाने बनाने के लिए इसमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो हमें लेनी है फिटकरी, और इसमें हम नींबू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हलवाई लोग डालते हैं फिटकरी, तो मैंने ली है यहाँ पर फिटकरी। और इसको मैं लूंगी 2 पिंच, बस 2 पिंच ही लेनी है हमें, ज्यादा नहीं लेनी। अगर ज्यादा लेंगे तो फिर हमारा दूध पूरा फट जाएगा, पानी छोड़ देगा, तो इसलिए थोड़ी ही यूज करनी है। 3 लीटर दूध में 2 चुटकी फिटकरी, यानी कि 2 पिंच। तो अब हम डाल देते हैं दूध में फिटकरी, ऐसे थोड़ी सी इस तरह, और इसको चलाते रहना है। अब इसमें देखेंगे कुछ ही देर में थोड़ा थोड़ा दाना बनने लगेगा, क्योंकि हमें दानेदार बर्फी बनानी है, मिल्क केक होता है एकदम दानेदार, तो इससे परफेक्ट दाना बनेगा। और अभी फिटकरी डालते वक्त मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी, अब मैं 2-3 मिनट ऐसे चला के फिर मैं फुल करूंगी दोबारा से। ये देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा इसमें दाना नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये और ज्यादा कम होगा तो फिर इसमें पूरा दाना दिखने लगेगा और हमारी एक मस्त दानेदार बर्फी बनकर तैयार होगी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा दाना बना है। शुरू शुरू में तो आपको लगेगा कि दाना नहीं बन रहा है, तो आप घबरा के और ज्यादा उसमें फिटकरी ना डाल दें, थोड़ा सा सब्र रखें। जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा इसमें दाना आपको दिखता जाएगा, ये देखिए कितना परफेक्ट दाना बना है। तो थोड़ा सब्र से काम लेते हुए दूध को बस पकाते रहें, जैसे कि मैं पका रही हूँ, और दाना आपका बाद में आपको दिखने लगेगा, क्योंकि ज्यादा अगर फिटकरी डल गई तो फिर सारा नाश हो जाएगा, सारा दूध फट जाएगा और फिर बर्फी नहीं बन पाएगी। दूध हमारा सारा देखिए दाने में बदल चुका है और इसने छींटे देना भी शुरू कर दी है, तो ध्यान रखिए जल ना जाए, कोई बर्तन ले लें। और फ्लेम कर देती हूँ मैं अब मीडियम, ताकि इधर उधर कढ़ाई ज्यादा ना जले। और अब हम इसमें क्या करेंगे, डाल देते हैं चीनी। तो चीनी हमने लेनी है 3 लीटर दूध में 400 ग्राम चीनी, और सारी चीनी हम एकदम नहीं डालेंगे, 5-6 बार में डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। इतनी डाल दी
जब ये गल जाएगी तब दूसरी बार डालेंगे। अब एक बार और डाल देते हैं। जब पहले वाली चीनी गल जाए तब हमें दूसरी बार थोड़ी और चीनी डाल देना है। एकदम हम सारी चीनी इसलिए भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये और दूध फट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी करके 5-6 बार में सारी चीनी डाल लेनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो फिर इसमें डाल सकते हैं 400 ग्राम या फिर 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम ना डालें क्योंकि फिर ज्यादा कम चीनी हो जाएगी तो फिर बर्फी अच्छे से जमेगी नहीं। चीनी का भी बहुत रोल होता है बर्फी को जमाने में। ये देखिए चीनी फिर से गल गई है। अब हम एक बार और डाल देते हैं इसमें थोड़ी चीनी। बस इसकी छींटों का ध्यान रखें, कोई बड़ा सा बर्तन ले लें जो आगे से लगा लें, नहीं तो फिर हम जल भी सकते हैं इससे। बाकी की चीनी सारी अब डाल देते हैं और इसमें जो पानी छूटेगा चीनी का उसको भी हमें जला लेना है। देखिए दोस्तों कितने झाग हो रहे हैं और ये छींटे भी बहुत उड़ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा घी। घी हम लेंगे 70 से 80 ग्राम और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे सारा घी। इससे क्या होगा, घी डालने से थोड़ी छींटे उड़ना भी कम हो जाएंगी। जैसे हम लोग मसाला भूनते हैं, मसाला भूनते वक्त उसमें अगर कम तेल हो तो फिर मसाला कितना छींटे उड़ाता है, उसी तरह इसका भी हिसाब है। अगर इसमें ज़्यादा छींटे भी उड़ रही हैं तो फिर कम हो जाएगी घी डालने से। और फिर घी डालने से ये भी है कि सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। जब ये वाला घी पिघल जाए अच्छे से फिर इसमें हम थोड़ा और घी डाल देंगे। टोटल घी हमें लेना है 70 से 80 ग्राम। ये देखिए दोस्तों किस तरीके का हो गया है। अभी ये थोड़ा अलग अलग है, इससे जो हमने चीनी डाली थी उसमें पानी थोड़ा था वो भी खत्म हो चुका है, बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है। और अभी हमें इसे और ज्यादा कढ़ाई में भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक ये एक आटे जैसा टेक्सचर में ना आ जाए, आटे जैसा बना लेना है हमें। और आप आवाज सुन ही सकते हैं कितनी तेज तेज आ रही है और दूर दूर तक इसकी छींटे उड़ रही हैं। तो मैं बहुत दूर खड़ी हुई हूँ इसलिए मेरा शायद आवाज आप लोगों को कम आ रही होगी, क्योंकि अपने आप को जलाने से भी बचाना है। तो अभी इसे और करते हैं हम, और फ्लेम मैंने रखी हुई है मीडियम टू स्लो, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो फिर अभी ये जल जाएगा नीचे से। ये देखिए मिल्क केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, कढ़ाई छोड़ दी है। ये देखिए इस तरीके से नीचे चिपक नहीं रहा, कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब बस थोड़ी देर में हम इसको जमाने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी पहचान क्या है कि ये बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। ये देखिए जब इस तरह से करेंगे तो ये जो बारीक बारीक इसमें झाग हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी बर्फी जमने के लिए एकदम तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और गैस कर देते हैं बंद। दोस्तों ये देखिए मैंने एक थाली ले ली है, मेरे पास थाली थी, आप कोई भी चीज ले सकते हैं जमाने के लिए। और मैंने इसमें पहले से घी लगा के तैयार करके रखा है, तो अब इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ मैं बर्फी। तो ये देखिए सारी हमने इसमें डाल लिया है अपना मटेरियल और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से हिला देते हैं। गर्म है, एक सी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हम एक टावल में लपेट के और ऊपर से ढक के रख देंगे। कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ना है ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए। तो मैंने इसको रख लिया है एक चीनी की प्लेट में और ऊपर से मैं ढक दूंगी दूसरी चीनी की प्लेट और फिर इसको कवर कर देंगे एक टावल से, ताकि इसकी हीट बिल्कुल इसमें रहे, क्योंकि जितना हीट में रहेगा ये उतना ज्यादा इसका अच्छा कलर आएगा। तो इस तरीके से अब इसको मैं 4-5 घंटे के लिए इसी तरह रखा रहने देती हूँ। तो दोस्तों 5 घंटे हो चुके हैं, हमने अपना केक अब उठा लिया है। अब देखते हैं इसकी क्या हालत है, बर्फी हमारी कैसी है। ये देखिए जम गई है अच्छे से। अब हम इसको काट लेते हैं,
इस चावल को अब हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं, इसी में ही करेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है बर्फी का, और कटने में भी ये थोड़ी सख्त हो गई है, यानी कि जैसा के होना चाहिए मिल्क केक हमारा बिल्कुल वैसा बना है। आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिए इसको एक बार, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मिल्क केक कैसा बना। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अपने हिसाब से कैसा भी शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा, थोड़ा सा लंबा दूंगी मैं जैसे कि हलवाई लोग रखते हैं इसको। पहले हम इसका ये छोटे वाले टुकड़े निकाल लेते हैं जो साइडों में है, फिर हम इसके बड़े वाले पीस निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसको निकाल लिया है, अब हम सजा देते हैं इसको थोड़ी सी पिस्ता से, आप चाहें तो बादाम से भी सजा सकते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट बना है दोस्तों, मैंने तो चेक भी कर लिया है, खाकर भी देख लिया है। आप लोग जल्दी से अपने घर पे इसको बना लीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको पहले तोड़कर तो दिखा दूं, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है, ये देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है, तो आप जल्दी से ट्राई कर लीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।